आरपी टीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाए। पार्टी में कोरोना ने दी दस्तक। 27 वर्ष महिला व 5 वर्ष बालक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पाटीनगर के ग्राम पीपरकुंड कामत फलिया में एक ही परिवार के दो सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले। बीएमओ देवेंद्र वास्कले ने बताया कि ग्राम पीपरकुंड के कामत फलिया में एक 27 वर्ष महिला और एक 5 वर्ष बालक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर परिवार के 12 सदस्यों का थर्मल स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन किया। वहीं कोरोना पॉजिटिव निकले एक 27 वर्ष महिला और 5 वर्ष बालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इस दौरान प्रशासनिक अमला, तहसीलदार आशा परमार, थाना प्रभारी आदित्य राज सिंह भी पीपरकुंड के कामत फलिया पहुंचे। प्रशासनिक अमले ने प्रभावित क्षेत्रों को सील कर कंटेनमेंट एरिया घोषित किया। यहां के लोगों की आवाजाही 21 दिन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। तहसीलदार ने पीड़ित महिला व बालक से संबंधित जानकारी बीएमओ देवेंद्र वास्कले से ली। चर्चा में तहसीलदार ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आई महिला व बालक की ट्रेवल हिस्ट्री निकाली जा रही है। वहीं क्षेत्र में सर्वे की कार्रवाई भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है। कोरोना निकली महिला के परिवार का रोज स्वास्थ्य विभाग की एएनएम व आशा कार्यकर्ता द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इस दौरान प्रशासनिक अमला व स्वास्थ्य विभाग की टीम पथरीले रास्ते से 1 किलोमीटर दूर पैदल पहाड़ी चढ़कर कोरोना पॉजिटिव निकले परिवार के घर पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर सीधी पहाड़ी चढ़ते समय स्वास्थ्य विभाग की टीम हाँकने लग गई। टीम के जज्बे को हर कोई प्रशंसा कर रहे। मैडम, दो कोरोना मिले, हाँ, क्या व्यवस्था है? यहाँ पीपरकुंड में 2 पॉजिटिव केस मिले हैं, तो प्रशासन ने पुलिस और मेडिकल टीम के साथ यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है और बना दिया गया है 21 दिन के लिए। कितने लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव? 2 लोग पाए गए और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं 14 लोग हैं। 2 तो पॉजिटिव हैं, बाकी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अन्य जगह भी ऐसे इस कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था है? पार्टी है, बकराटा है? अन्य जगह तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो, लोगों को मास्क लगाने के लिए हम लोग सख्ती कर रहे हैं, जुर्माना वगैरह भी कर रहे हैं, सफाई स्वच्छता बनाने के लिए भी लोगों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं और हाथ जो सैनिटाइज करने के लिए भी लगातार हम लोग बताते भी हैं और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनको समझाई दी जाती है। ऐसे ही और ऐसे क्या व्यवस्था रहेगी आगे ऐसा न फैले कोरोना के लिए? आगे भी हम लोग प्रशासन का और पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि हम सख्ती से जो गाइडलाइन है उनका पालन करवाएंगे। सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, इनको लेके हम बहुत सख्त कार्रवाई अब आगे करने वाले हैं। सर, आज 2 कोरोना पॉजिटिव मिले जी पार्टी ब्लॉक में। आज 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे जो कि ग्राम पीपरकुंड का कामत फलिया निवासी हैं। एक तो महिला थी और एक उसका बच्चा है। 2 लोग पॉजिटिव मिले हैं। घर में सर्वे किया गया है और टीम द्वारा आसपास के मकानों में भी सर्वे करवाया जा रहा है। अभी कहाँ है कोरोना दोनों पॉजिटिव? कोरोना पॉजिटिव दोनों शख्स अभी यहीं पर हैं। उन्हें गाड़ी बुलाकर गाड़ी से बड़वानी जिला चिकित्सालय हेतु रेफर किया गया है। बाकी को क्या निर्देश दिए? बाकी को होम क्वारंटाइन किया गया है और घर को आइसोलेटेड किया गया है और कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। घर में टोटल 14 सदस्य थे, 14 में से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 14 लोगों का चेकअप किया गया है। बाकी लोग ठीक पाए गए हैं। 2 लोगों को बड़वानी रेफर।